हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेरी वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल में कंटिन्यू कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में भी हम कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो लाए हैं। दोस्तों, आज की जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि इसका एक रेडिएटर और एक कंडेंसर। हमारे बहुत से फ्रेंड्स को कन्फ्यूज़न रहती है कि क्योंकि दोनों की प्रोफाइल लगभग सेम है। अगर आप विजुअली इसे देख रहे होंगे तो ये और ये लगभग देखने में सेम ही होता है, पर बहुत से फ्रेंड्स इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि हम रेडिएटर क्या है और कंडेंसर क्या है। दोस्तों, सबसे बड़ा इसमें मेजर फर्क ये होता है कि इसमें रेडिएटर में ये रेडिएटर वॉल्व होता है ये, और जो और इसके आगे ये दो फैन है और और बाकी ये तो इसके फैन की सप्लाई के पॉइंट है। इसका कोई खास रोल नहीं, ये दो फैन होते हैं जो बाहर से हवा खींचेंगे और बाकी इसको और कंडेंसर को ठंडा करेंगे और इसके टेम्परेचर को डाउन करेंगे। रेडिएटर का में इसका प्रॉपर मेन फर्क ये होता है दोस्तों कि रेडिएटर में हमारा कूलेंट चलता है और इसमें एक गैस चलती है जिसको गैस को फ्लोरन गैस कहा जाता है, जो मोस्टली हमारे रेफ्रिजरेटर और फ्रिजों में भी वही गैस होती है जो टेम्परेचर को डाउन करती है। और फ्लोरन 134 का जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आजकल एक USA की कंपनी है, उसने सोसाइटी है जिसने यही वो कंपल्सरी कराया है कि आप अपने कंडेंसर में फ्लोरन 134A का ग्रेड ही यूज़ करेंगे क्योंकि वो इको फ्रेंडली है। उससे पहले भी फ्लोरन का 132 का ग्रेड आता था, वो इतना इको फ्रेंडली नहीं था। और उसको ओजोन हमारी लेयर है जो हमारी जो सन की हार्मफुल किरणें उनको धरती पर आने से रोकती है, तो उसको ये फ्लोरन गैस डैमेज कर रही थी 132 वाला ग्रेड। तो इसलिए अब USA की सोसाइटी ने एक 134 का ग्रेड रिसर्च करा है और उसको चेक किया गया कि वो हमारा ओजोन के लिए बहुत है, एनवायरनमेंट के लिए इको फ्रेंडली गैस है वो, तो इसलिए हम मोस्टली अपनी गाड़ियों में वही यूज़ करते हैं। ये हमारा रेडिएटर कैप होती है जब भी हम इसको, और कभी भी दोस्तों रेडिएटर कैप को अगर आपकी गाड़ी अभी चल के आई है तो इसे कभी ओपन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें कूलेंट बहुत गर्म होता है और वो अपनी बहुत स्पीड से बाहर भी आ सकता है जिसकी वजह से आपके हाथ या फेस भी जल सकता है। तो जब गाड़ी थोड़ी ठंडी हो जाए तो आप इसको ओपन कर सकते हो। एक ये रेडिएटर कैप है दोस्तों, इसके अंदर यहाँ इस कैप का एक अपना ही रोल रहता है, इस क्योंकि ये जैसे कि ये इसमें एक स्प्रिंग लग रहा है और एक ये वॉल है जो इसकी बाईपास के काम आता है, इसके पूरे बाईपास पे। इसके ऊपर हम दोस्तों एक पूरी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे, इसके हसिंग हर पार्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये हमारा रेडिएटर कैप काम कैसे करती है। तो दोस्तों, जैसे कि अगर आप कभी भी आपने रेडिएटर को कभी गाड़ी जब आपकी ठंडी हो चुकी है, कम से कम आधा घंटा हो चुका है चले हुए आए हुए, तो आप उस टाइम पे आप इसको सबसे पहले चेक करोगे कि आपके अंदर कूलेंट प्रॉपर है कि नहीं है। और कूलेंट को अगर इसके अंदर है तो आप गाड़ी को चलाओगे, अगर इसमें से पानी बाहर को आ रहा है या ज़्यादा बॉइल सा मार रहा है तो इसका मतलब ये भी होता है कई बार आपकी जो गैस्केट डैमेज हो गई होती हैं तो इसके थ्रू हमें पता लग जाता है कि जो मोस्टली मैकेनिक आपकी अगर गैस्केट ख़राब है तो सबसे पहले यहीं से पॉइंट को देखेंगे इसको कैप को ओपन करके कि अगर इसमें से पानी बाहर की तरफ आ रहा है तो आपकी गैस्केट डैमेज हो चुकी है। और एक ये जो पाइप है इसकी रिजर्व वायर की तरफ को जाता है, जो रिजर्व ये रिजर्वायर टैंक की तरफ, जिसमें से ये अपना एक्स्ट्रा पानी को वहाँ की सप्लाई भी देता है और कम होने पर वहाँ से अपनी एक्स्ट्रा सप्लाई वापस भी ले लेता है। और ये है हमारा कंडेंसर जिसके अंदर हमारी क्लोरोन गैस काम वर्क करती है और मूव करती है, जिसके थ्रू हमारा AC सिस्टम काम करता है। ये हमारे इंजन सिस्टम को ठंडा करने के काम आता है और ये पैसेंजर डिपार्टमेंट होता है उसको चिल्ड करने के काम आता है, जो इसकी सप्लाई वहाँ को जाती है। इसमें दो पाइपलाइंस होती हैं, एक हाई प्रेशर पाइपलाइन एक लो प्रेशर पाइपलाइन। हाई प्रेशर पाइपलाइन के थ्रू इसमें से फ्लोरन गैस एंटर करती है और इसके अंदर पूरा मूव करके थोड़े उसका टेम्परेचर ठंडा होने के बाद, और ये हमारा ड्रायर होता है जिसमें से उसका मॉइस्चर को वो ऑब्जर्व करके लो प्रेशर गैस के थ्रू हमारे सीधा एक्सपेंशन वाल्व में इसकी सप्लाई चली जाती है, जिसके थ्रू एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू वो सप्लाई हमारी वेपोरेटर में जाएगी और वेपोरेटर चिल्ड होने की वजह से जो ब्लोअर है हमारी ठंडी एयर हमारे उसको पैसेंजर डिपार्टमेंट को सप्लाई करेगा। तो इसको हम आगे दिखाते हैं और इसी पे लिखते हैं बाहर गाड़ी पे दिखाएंगे। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था अंदर हाई प्रेशर पाइप और लो प्रेशर लाइन, ये हाई प्रेशर लो प्रेशर पाइप लाइन है हमारी और ये हाई प्रेशर पाइप लाइन है। इसके थ्रू हमारी सीधी पाइप लाइन, ये हमारा एक्सपेंशन वॉल्व है, ये वाला एक्सपेंशन वॉल्व के थ्रू हमारी जो फ्लोरन गैस है वो हमारे पैसे हमारे वेपोरेटर है जो गाड़ी के अंदर लगा हुआ है उसके अंदर एंटर करती है।
जिसकी वजह से हमारा नीचे ब्लोअर को ठंडी एयर मारता है सीधा पैसेंजर डिपार्टमेंट में। हमारा ब्लोअर के ऊपर एक सेंसर लगा होता है दोस्तों, जो पूरे टेम्परेचर को सेंस करता है। उसके हिसाब से हमारी गाड़ी का टेम्परेचर जो है 16 डिग्री या 18 डिग्री, 20 डिग्री, 22 डिग्री जो आपको मेंटेन करना है वो उसको मेंटेन करता है। जो आपने टेम्परेचर मेंटेन करा है 20 डिग्री या 22 डिग्री, उसके बाद थर्मोस्टर सेंसर के थ्रू ECM को कमांड मिलती है और उसके बाद वो कमांड हमारे इसको मिलती है, कहाँ गया ये वाला, इसी कंप्रेसर को, जो इसको ट्रिप कर देता है एक टेम्परेचर होने के बाद, इसको चलाएगा या बंद करेगा। ये ECM की सप्लाई के थ्रू होता है, ये इसकी सप्लाई आती है इसमें, इसके थ्रू जो चलता है या बंद होता है। ठीक है दोस्तों, बाकी मुझे होपफुली आपको आज की इंफॉर्मेशन काफ़ी के लिए हेल्पफुल रहेगी। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम आगे से अपनी और वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करें। ओके, थैंक यू।